जय हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका पुनः एक बार मेरे चैनल एग्रीकल्चर सपोर्ट प्लस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके राइस मिल से चावल में टूटान आ रहा है, अगर आपके राइस मिल में चावल का टूटान आ रहा है, आप किसी से हेल्प ले रहे हैं, तो हेल्प लेने से पहले ये ज़रूर जान लिया करिए कि आपके राइस मिल में टूटान कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि दोस्तों कई दिन से मैं कहीं कहीं भी राइस मिल चालू हो चुका है, तो कई दिन से हमारे पास कुछ किसान भाई हमको कॉल कर रहे हैं। दिन में जरूर 2-4-5-10 किसान भाई हमको जरूर कॉल करते हैं। तो उन लोगों का सवाल ये होता है कि भाई मेरे चावल में टूटान आ रहा है। तो हर किसान भाई से हमें पूछना पड़ता है, भैया चावल का टूटान आता कहाँ से है? तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं। तो मैं ये सोचा कि आपके लिए पहले एक वीडियो बना दें। अगर आपके भी साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जब आप हमको कॉल करिए या किसी को कॉल करिए, तो इतना ज़रूर क्लियर कर लिया करिए कि आपके मशीन में चावल की टूटान आ कहाँ से रही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक दोस्तों, अगर आपके राइस मिल में चावल की टूटान आ रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये थोड़ा सा इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जब मैं भी राइस मिल लाया था, तो मेरे भी राइस मिल में इतना ज़्यादा चावल की टूटान हो रही थी, कि हम लोग डर गए थे कि ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे हम लोग। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रयास हुआ, थोड़ा मोड़ा लोगों ने कुछ सपोर्ट हमें किए और मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। बहुत सारे ऐसे किसान भाई लाए थे जो मशीन इस कंडीशन में आ गए थे कि उनकी राइस मिल की चावल की टूटान बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो भी इस कंडीशन में आ गए थे कि यार नहीं लग रहा, नहीं राइस मिल चला ही नहीं पाएंगे, वो राइस मिल बेचने लगे थे। ठीक है, उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आज 2-3 मशीनें लोग चला रहे हैं। ठीक है, अगर हमें प्रॉब्लम हुआ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आपको प्रॉब्लम हुआ, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, अगर कोई किसान भाई अभी जो नए देख रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आगे किसी को सॉल्व होगा तो हम आप मिल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे सारे किसान भाई बहुत ही खुशहाल रहेंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे पता करें कि हमारे मशीन में टूटान आ कहाँ से रही है। ठीक, तो घबराना नहीं है। सबसे पहला चीज़ जो है, आप पहले धान को चेक करिए कि कहीं आपके धान गड़बड़ तो नहीं है। अगर एक चीज़ दोस्तों जान लीजिए, सभी किसान भाई लोग से मैं कह रहा हूँ, अगर आपके धान में कमी है या किसी का धान आप कुटाई करने के लिए गांव में गए हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा चावल टूट रहा है, लेकिन अगर उसका धान ही गड़बड़ है, तो दुनिया की कोई भी मशीन हो उसको कंट्रोल वंट्रोल नहीं कर सकती है। पहली बात, एकदम सीधा लाइन जान लीजिए ना, हाँ मानना आप, हाँ कुछ परसेंट जिसको नॉलेज है वो कंट्रोल कर लेगा। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट आपसे ज़्यादा टूटा, आपको नहीं नॉलेज है, मुझे नॉलेज है, तो मैं कुछ परसेंट ज़्यादा कंट्रोल कर लूँगा, बस कुछ परसेंट, बस ये जान लीजिए। तो पहला चीज़, धान सही होना चाहिए। अगर धान मान लीजिए सही है, उसके बाद मशीन के द्वारा टूटान आ रहा है, तो ध्यान से आप सुनिए, अब आ गई मुद्दे की बात। अगर मशीन में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए, धान देखिए पहले डीएसकर में जाता है, एलिवेटर ले जाता है, डीएसकर में डालता है, डीएसकर से फिर आता है, फिर एलिवेटर, दूसरा एलिवेटर ले जाके पॉलिशर में डालता है। ये बात क्लियर है? पॉलिशर में डालने के बाद देखिए, डीएसकर भी डबल होता है, पहले ऊपर वाले डीएसकर में जाएगा, फिर वहाँ से कुछ छूटेगा, फिर नीचे वाला डीएसकर कुछ छोड़ेगा, फिर उसके बाद में जाता है पॉलिशर में। अगर सिंगल पॉलिशर होता तो वहाँ पे निकलने के बाद में सीधा दबाव का कंट्रोल होने के बाद सीधा बाहर आता है, और डबल पॉलिशर होता है तो पहले ऊपर वाले पॉलिशर में चावल का पॉलिश होता है, फिर नीचे वाले में पॉलिश होता है, तो ऊपर वाले में जब पॉलिश होता है तो ऊपर वाला दबाव भी काम करता है, फिर नीचे वाले में पॉलिश होगा तो नीचे वाला भी दबाव काम करेगा, उसके बाद में तब जा करके दोस्तों चावल बाहर निकलता है, जिस चावल को हम लोग जो है यूज करते हैं, खाते हैं। अब दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लिया करिए कि आपके डीएसकर में टूटान तो नहीं हो रहा है। अगर आपके डीएसकर में टूटान हो रहा है, तो आप ये भी पता कर लिया करिए कि ऊपर वाले डीएसकर में हो रहा है कि नीचे वाले डीएसकर में हो रहा है। जहां दोस्तों एक चीज ध्यान से गंभीरता से सुन लीजिए, चाहे हमारे वीडियो को लाइक करिए ना लाइक करिए वो अलग बात है, लेकिन जहां आपको जानकारी नहीं होगा, चलती हुई मशीन में उंगली आप नहीं करेंगे। मेरा बात थोड़ा सा बुरा लगा होगा या कोई बात नहीं, लेकिन आप ये समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप होशियारी वहां मत करिए, वहां हेल्प ही लीजिए दूसरे का। चलती हुई मशीन में आप छेड़िए नहीं, नहीं तो क्या पता आपका हाथ कहीं फंस जाए। और दूसरी बात, कहीं भी सर में नोछा ओछा बांध के मशीन के पास ना जाइएगा। इस पर भी एक तो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, जिसको भी देखना होगा देखिए, नहीं देखना होगा नहीं देखिएगा, लेकिन बनाऊंगा मैं इस पर, सुरक्षा बहुत ध्यान में रखिएगा। तो चलती हुई मशीन में अगर आपको जानकारी नहीं है, तो बिना हेल्प लिए आप उंगली ना करिएगा, उसमें टच ना करिएगा। ठीक है, कोई समस्या होता है तो आप मुझे फोन कर लीजिए, किसी को फोन कर लीजिए, पैसा लेकर के उससे बात करिए, उसको पैसा देकर के बात करिए, आप अपना सुझाव करिए। लेकिन आप कोई कहीं दिक्कत हो रहा, आप हाथ डाल देंगे, आपका हाथ दब जाएगा, कट जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान में रखिए। बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ है,
तब जाकर के बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डीएसकर में पता कर लीजिए, ऊपर वाले डीएसकर से टूट रहा है, नीचे वाले डीएसकर से। अगर आपको नहीं पता है कि डीएसकर का सेटिंग कैसे किया जाए, जैसे देखिए डीएसकर में प्रॉब्लम आएगा तो मैं डीएसकर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इस पर भी पूरा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, डीएसकर का पूरा सेटिंग करूंगा, मशीन के ऊपर खड़ा होकर के पूरा दिखाऊंगा, पहले डीएसकर को पूरा गड़बड़ करूंगा, आपके सामने चावल तोड़ के दिखाऊंगा, उसके बाद में फिर मशीन को डीएसकर को सेट करके फिर आपको डीएसकर सेट करने के बाद आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सारी चीजें होंगी, लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में मशीन ले लिए हैं और कहीं आपके आपके यहाँ चावल की कुटाई शुरू हो चुकी है, यानी आपका सीजन चालू हो चुका है, तो वहां क्या करेंगे आप? तुरंत आप किसी न किसी से हेल्प लेंगे, चाहे जैसे आपको हेल्प, चाहे मिस्त्री आप बुला के लेंगे, चाहे कोई अगर मतलब आपको हेल्प लेना है, तो हेल्प लेने से पहले अगर आप किसी से फोन पे संपर्क करते हैं तो उसको छोटा छोटा हर बात ना बोलना पड़े, आप उसको कंप्लीटली बताइए कि आपको प्रॉब्लम आ कहां से रहा है। तो सबसे पहली बात आप डीएसकर को जान लीजिए, अगर आपका डीएसकर में चावल टूट रहा है तो उसको डायरेक्ट बताइए भैया मेरे डीएसकर में चावल टूट रहा है, वो सेटिंग आपको बता देगा, या मुझे ही कॉल करिए तो आप बताइए कि मेरे डीएसकर में टूट रहा है। अगर आपका डीएसकर में चावल नहीं टूट रहा है या आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे पता करें टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, बोलिए कि डीएसकर में चावल टूट रहा हो तो वीडियो उस पर बनाइए, ठीक है। ये लिख दीजिए कि मेरा चावल डीएसकर में टूट रहा है, या मुझे नहीं पता है कि डीएसकर में चावल कैसे टूटता है कैसे नहीं टूटता है, मुझे नहीं पता चल रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिए, आप फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता, ठीक है। कमेंट करिए, मैं उस पर जल्दी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर डीएसकर में आपका सही चल रहा है, एक बात कह रहा हूं, अगर सही चल रहा है तो आता है बात चावल पॉलिशर में। अब पॉलिशर में अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि चावल टूट रहा है नहीं टूट रहा है, तो आप लिख दीजिए पॉलिशर में वीडियो बनाइए, मुझे नहीं पता चल रहा है कैसे पता करें चावल टूट रहा है नहीं टूट रहा है, ऊपर वाले में टूट रहा है नीचे वाले में टूट रहा है, इसके बारे में आप हमको बता दीजिए, आप हमको इन्फॉर्म करिए। अगर आपके पॉलिशर में चावल टूट रहा है, देखिए अगर आपके डीएसकर में चावल टूट रहा है तो जो आपको जो चावल पॉलिशर से होकर के गुजरेगा वहां जाते जाते कुछ टूटान बढ़ जाएगी, ये बात एकदम श्योर है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मेरे बात को कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आपका डीएसकर में चावल टूट रहा है तो मान के चलिएगा आपके पॉलिशर में भी कुछ परसेंट चावल टूटेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई चावल नहीं टूटा तो डीएसकर दबाव दे देगा ना, तो वो दब के धान बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो पॉलिशर में टूटना ही टूटना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, अगर डीएसकर से चावल सही सलामत निकल गया, अगर पॉलिशर में ऊपर वाले पॉलिशर दिक्कत कर रहा तो वही नीचे वाले में आएगा तो वहां भी कुछ डिस्टर्ब करेगा, तो आप इसी को समझ लीजिए। लेकिन हाँ, अगर डबल डीएसकर है, डबल पॉलिशर है, धान बढ़िया है, तो जो यार जो चावल की क्वालिटी आपको मिल जाएगी ना, वो सिंगल पॉलिशर और सिंगल डीएसकर उसके में नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये बात अच्छे से जान लीजिए। और जितना अच्छा आप पॉलिश निकाल सकते हैं डबल पॉलिशर से या डबल डीएसकर से, उतना बढ़िया आप सिंगल में काम नहीं हो सकता, मतलब चावल की गुणवत्ता आपको मिलेगी तो डबल पॉलिशर डबल डीएसकर में ही मिलेगा, ये तो क्लियर नोट कर लीजिए आप। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो प्रॉब्लम पे बात हो रही है ना, तो मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, अगर आपके ऊपर वाले पॉलिशर में आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं कैसे पता करूं ऊपर वाले में टूट रहा है नहीं टूट रहा है, अगर डीएसकर में आप श्योर हो गए हैं तो आप बोल दीजिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, उसको लिखिए अपने भाषा में, जैसे भी आप लिख सकते हैं आप उसको लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए सपोज द डीएसकर में जा गए, पॉलिशर में टूटे, दबाव में आपकी दिक्कत आ रहा है, जो दबाव आगे गोल गोल लट्टू जैसा होता ना, इतने बड़े बड़े होते हैं कुछ, अच्छा हाँ एक चीज नोट कर लीजिए दोस्तों, जब मैं वीडियो ऐसे टेबल पे बैठ के बनाता हूँ तो मेरा वीडियो यार जरूर देखा करिए आप, जो रिव्यू का है इंटरव्यू का वीडियो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब टेबल पे बैठ के वीडियो बनाऊ ना तो आप प्लीज उसको जरूर देखा करिए और लाइक करके उत्साह बढ़ा दिया करिए, क्योंकि देखिए ऐसे पसीना पोंछ करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें कई चीज़ें हमको याद आते चली जाती है, तो वो बताता चला जाता है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये कह रहा हूँ कि जो दबाव ऐसे लट्टू जैसा होता है ना, उसमें कोई मैं क्या बोलूं, कुछ हमारे ऐसे राइस मिल चलाने वाले भाई लोग हैं, कुछ ऐसे ड्राइवर भाई हैं, उसमें दो तीन लोहा लटका देते हैं। यार दो तीन लोहा का मतलब क्या है, जो आधा किलो दो किलो का बाट होता है उसमें लटका दोगे तो ऐसे काम होगा? ऐसे नहीं होता है, उसका जितना वजन होता है 50 ग्राम ही बहुत होता है उसके लिए, ठीक है। या मान लीजिए अगर 50 ग्राम आपकी मशीन में कोई फॉल्ट है तो 50 ग्राम और, अब आप देखते हैं कोई कोई कुछ भी लटका देता है, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो तो फिर मशीन आपकी दिक्कत कहीं ट्रैक्टर लोड लेगा, ठीक है। तो मैंने अभी एक आदमी का वीडियो देखा, वो हम अपना राइस मिल चला रहे थे, मेरे को भेजे थे वो, तो अब क्या बोलूँ उसमें क्या लटकाए थे, ठीक है। तो ये चीज़ जान लीजिए, दबाव बहुत गड़बड़ चीज़ है, तो दबाव अगर आपको नहीं पता है तो आप दबाव के ऊपर भी कमेंट करिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, ठीक है। तो दबाव के ऊपर आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा, अगर नीचे वाले पॉलिशर में भी दिक्कत आ रहा है तो मैं उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा, बाकी आप किलो बाट उसमें ना लटकाइएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ हो गया। आपको राइस मिल से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे किसान भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो मैं आपका हेल्प करूँगा। मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो हो सकता है मैं आपसे पेमेंट लेकर के भी हेल्प करूँ, ऐसा हो सकता है। अगर आप प्रॉब्लम में हैं और आपको अगर हेल्प करना पड़े तो मैं आपको हेल्प करूँगा, लेकिन अगर ऐसी बातें फंस जाती हैं कि भाई मेरे पास टाइम नहीं रहा उसके बाद भी आपको समय चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आप ही बता दीजिए, आप ही मेरे जगह होते तो क्या करते हैं, ये बात है। इस पर मैंने ये बात बोल दिया, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आप ये चीज़ क्लियर जान लीजिए, क्योंकि किसी भी आदमी से आप कुछ भी बोलेंगे ना उसको तो बताना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम आ कहाँ से रहा, क्योंकि आदमी कितना आपको समय दे सकता है। हेल्प का मतलब है कि बस एक सिस्टमेटिक आपको बात बता सकता है, मान लीजिए कुछ चीज़ें फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जब आप कुछ बताएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे प्रॉब्लम आ रहा है, तभी ना आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये बात अच्छे से जान लीजिए। और देखिए पसीना पोछ पोछ करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ यार, इतनी ईमानदारी से मुझे नहीं लगता है कोई और भी वीडियो बनाते होंगे लोग, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इतनी ईमानदारी से कोई वीडियो बनाया आपके लिए। इतना शर्ट खाली बचा, बाकी ये सब भीग गया है। तो वीडियो को यार प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और आप जितने भी किसान भाई आज मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, तत्काल आप सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान नोटिफिकेशन बेल है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि अगर मैं आप इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं ट्रैक्टर राइस मिल से रिलेटेड, अभी तो मेरा सिर्फ पार्ट आप देख रहे हैं ट्रैक्टर राइस मिल के ऊपर, इसके बाद में अभी जैसे ही सर मेरा थोड़ा सा और भी सिस्टम बन जाएगा ट्रैक्टर के ऊपर आपको वीडियो दिखाऊंगा, पूरे हार्वेस्टर के ऊपर वीडियो दिखाऊंगा, मैं खुद लाइव चला करके दिखाऊंगा, बना करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि बस खाली, ठीक है। तो हवाई फायरिंग नहीं होता है मेरे चैनल पे, कम टाइम में आपको ज़्यादा नॉलेज देता हूँ, कोई कोई वीडियो में हिट जाता है समय, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी अगर आप कोई भी आपका सुझाव तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप करिए, मैं आपको पूरा जवाब देने का कोशिश करूँगा, और अगर नहीं जवाब दे पाता हूँ तो हफ्ता जो 3 दिन में कमेंट बॉक्स का पूरा वीडियो बनाऊँगा उसमें आपके कमेंट का जरूर पिक करूँगा, ये तो मैं लिख के दे रहा हूँ आपके हर कमेंट को, मैं जितने भी लोग मुझे कमेंट किए रहेंगे तीसरे दिन जब मैं कमेंट पर वीडियो बनाऊँगा तो आप सबके कमेंट का जवाब जरूर दूँगा, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और जय जवान जय किसान, साथ में आप लोग भी बोल दीजिए एक बार, जय जवान जय किसान।